नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः इस चैनल पर स्वागत है। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का समय है। हम में से ज़्यादातर YouTube देखते समय कॉपी लेकर बैठते हैं और कॉपी में नोट करते जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमें कुछ इस तरीके की जानकारी मिल जाए जिससे हम YouTube में लिखे नोट्स को आसानी से एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से आज यही जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले आप सभी कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। इसको करने के लिए सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउजर को खोलना है और क्रोम के वेब स्टोर में जाना है या फिर इसके सर्च बार में जाकर आपने एक्सटेंशन लिखना है। जैसे ही आप एक्सटेंशन क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। आप इसमें क्रोम वेब स्टोर पे जाइए और जहाँ सर्च दी स्टोर लिखा है यहाँ पर QUIXY क्विकसी टूल बॉक्स, इस पे क्लिक करिए और इसको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पर आएगा ऐड टू क्रोम। मैं ऐड टू क्रोम करता हूँ तो यहाँ पर आया ऐड एक्सटेंशन। तो कुछ ही समय में ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद ये देखिए यहाँ ऊपर राइट साइड में जहाँ पर मिनिमाइज मैक्सिमाइज का बटन है उसके नीचे इस पॉइंट पर ये हमें दिखता है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसके लिए चलिए हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और YouTube। आप मान लीजिए हमें अर्थ सहित, तो हमने कबीर के दोहे अर्थ सहित लगाए तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने ये वीडियो जब चल रहा है, जैसे हमें इस टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम इसको पॉज कर लेंगे और यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्विक सीट टूल बॉक्स पे क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरीके का विजार्ड आएगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है, हमें जो भी वर्ड सेलेक्ट करने हैं अगर वो जिस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हिंदी में, फ्रेंच में, चाइनीज में, हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें हिंदी में करना है तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट एन एरिया। सेलेक्ट एन एरिया करते ही ये थोड़ा ब्लैक हिस्सा हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए और छोड़ दीजिए। कुछ ही सेकंड में ये आपके सामने आ जाएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। आप यहाँ से इसको टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए और वर्ड में कहीं पर भी इसे पेस्ट कर दीजिए। इसी प्रकार हम इंग्लिश के टेस्ट को भी कर सकते हैं। अभी ये हिंदी में ही था, अभी ये देखिए यहाँ पर गए, फिर क्विक सी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करा, यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट और ये देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ये जो इसमें आप देख रहे हैं कुछ वर्ड अलग से, ये इसलिए कि मैंने जो है सेलेक्ट किया था तो ये थोड़ा बाहर तक चले गया था कॉपी टेक्स्ट, और इसको हम वर्ड के पेज पे
पेस्ट कर देंगे और फिर इसके आसानी से हम इसको एडिट कर सकते हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।